हेलो एवरीवन वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएएस पीसीएस हमारा नाम है एम ए एलिफर आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन यानी फोर्थ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम इसका फिफ्थ टाइप आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो जरा समझिए इसको एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले इसकी फॉर्म पढ़ेंगे तो हम इसके टाइप नंबर फाइव में आगे फर्दर A, B, C, में डिवाइड करके इसके मल्टीपल टाइम सब टाइप्स पढ़ने वाले हैं इसके पहले फॉर्म समझिए एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा इस फॉर्म में एक्स प्लस एनडीवाई इज इक्वल टू जीरो में लिखने की जरूरत नहीं होगी ऑलरेडी वो इस फॉर्म में लिखा होगा तब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या लिखी है आइडेंटिटी पहचान जिसको कह रहे हैं एक टेस्ट है 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 छोटा सा क्या कि इस का करना है, जो डीएक्स के साथ में लिखा है उसे M कहना है डीवाई के साथ में जो लिखा है उसे एन कहना है द कॉफिशियंट ऑफ dx इज एम एंड द कॉफिशियंट ऑफ डी वाई इज एन यहां आपको क्या करना है एम का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट पर करना है वाई के और एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर करना है एक्स के अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इक्वल इक्वल तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी बहुत आसान है अगर आपका क्वेश्चन एमडीएक्स प्लस एनडीवाई में लिखा है और आप उसके ऊपर ये टेस्ट लगाएं कि एम का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट पर और एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर और वो इक्वल आ जाएं तब आपकी ये जो गिवन इक्वेशन होगी ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आज से आपके इंटीग्रल वाली क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं तो यहां आप उसकी सिर्फ एग्जैक्ट करेंगे इसका प्रूफ भी होता है लेकिन वो कोई पूछता नहीं आपसे नॉट सो इंपॉर्टेंट बस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये वाले जो क्वेश्चन हैं आगे फर्दर जो इसके सब टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें काम आएंगे तो देखिए आंसर क्या दिया जाएगा आंसर समझिए ध्यान से ये जो एमडीएक्स लिखा है ना एमडीएक्स देख रहे होंगे आप ये एमडीएक्स लिखा है यह एमडीएक्स पर तो जस्ट इंटीग्रेशन लग चुका है एज इट इज ये एम डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एमडीएक्स ऐसे समझो कि इसके ऊपर तो आपने सिंपल इंटीग्रेशन लगा दिया इस पहले टर्म के साथ बहुत सिंपल है एमडीएक्स उसका सिंपल इंटीग्रेशन लगा दो इट मीनस इट विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस अब आगे की बात समझो इस एन में से ये जो एन लिखा है इस एन में से वे टर्म्स आएंगी जिनमें एक्स नहीं है देखो टर्म्स फ्रॉम एन एन नॉट कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ वही टर्म्स आप इस सेकेंड इंटीग्रल में लिखेंगे जिसमें x नहीं है अगर कोई टर्म ऐसी है जिसमें x नहीं है वो टर्म यहां पे आप लिख दीजिए इन टू डी वाई और इज इक्वल एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है फिर से एक बार समझ लीजिए इसको इंटीग्रेशन का आंसर देने का तरीका एमडीएक्स पहले वाले पे तो सिंपल इंटीग्रेशन लगा दिया और एन में से ओनली वो टर्म्स लिखी जाएंगी जिनमें x नहीं होगा टर्म्स फ्रॉम n नॉट कंटेनिंग x उस चीज को आप इस सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में यहां रख दीजिए और चूंकि आपने वो टर्म्स हटा दी जिनमें x था तो या तो कांस्टेंट आएगा या फिर y का फंक्शन आएगा इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना है यहां पर y के रिस्पेक्ट पर एक वजह उसकी यह भी है कि x के रिस्पेक्ट पर आप पहले यहां इंटीग्रेशन कर चुके हैं इज इक्वल सी ये भी इसका फॉर्मुले का प्रूफ है लेकिन इसका फॉर्मूले का प्रूफ हमें करने की कोई जरूरत नहीं है कभी यह पूछने वाला इस तरीके से नहीं पूछा जाता इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आगे जो सब टॉपिक्स हैं उनमें इसका एप्लीकेशन है तो आइए सीखते हैं किस तरह से हम इन टॉपिक्स को समझते हैं कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या कोई प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आया है वो भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व सिर्फ इतना लिखा है पहली बात तो यह समझिए कि हमने आपको चैप्टर टू की क्या पहचान बताई है डीवाई बाई एक्स विल बी द हाईएस्ट डेरिवेटिव याद है फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा इससे बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं है तो यहां आपने dx और dy को ध्यान देखो ध्यान से देखो इसे dx और dy है यहां तो हाइएस्ट डेरिवेटिव भी dy बाई डीएक्स ही है। इसलिए आप ये पाएंगे कि ये चैप्टर दो से है उसके बाद इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है m dx n dy की फॉर्म में लिखी है तो अब आप इसका एग्जैक्ट ट्राई करने की कोशिश करना एग्जैक्ट ट्राई करना इससे पहले वाले इस टॉपिक्स को भी आप लगा सकते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन को इस फॉर्म में उसने ऑलरेडी लिख के दिया m dx n dy ये m dx हुआ और ये n dy हो गया 0 तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन को उसने लिख के दिया तब आप इस टाइप नंबर फाइव को स्टार्ट कर देंगे अब उसके बाद आप यहां सबसे पहले टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट करना है कि एम का डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है इट मींस जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ वाई वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है देखिए जरा क्या यहां e टू दि वाई प्लस वन इन कॉस एक्स ये m की वैल्यू है तो आप सिर्फ y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y ही होता है 1 का 0 और cos x एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा इस तरह से क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ गया बहुत आसान है यहां e टू पावर y का e टू पावर y 1 में कोई y नहीं है क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट्स व्हाई इट विल बी 0 आगे जो cos x है वो जस्ट एज कोफिशिएंट लिखा जाएगा प्लस आगे इसमें आप देख पाएंगे कि अगर हम डेल एन अपॉन डेल एक्स करें इस तरह से एक्स के रिस्पेक्ट पे करना है अब आप सिर्फ एक्स वाले टर्म्स पे ध्यान दीजिए एन एन के के अंदर इस के अंदर इस एक्स वाला टर्म सिर्फ साइन है तो क्या करेंगे आप टू दी पावर एज अ कॉफिशियंट रहेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए कॉस एक्स अब आप ध्यान से देखो क्या ये वैल्यू ई टू दाइ कॉस एक्स दोनों बराबर नहीं आगे दोनों इक्वल है तो इनके बीच में इक्वल लगा दो लिख देंगे सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई यानी फाइव ए हुआ हमारा टाइप क्या हुआ ये फाइव ए 5A, हमारा टाइप ये हमें पहचानने के लिए अपने आपको समझा रहे हैं कि हमारा फाइव टाइप है फाइव का ए टाइप है आंसर देखो कैसे देना है आंसर जो अभी लिखना सिखाया आपको हमने mdx उसके ऊपर तो सीधा इंटीग्रेशन लगा दो तो कैसे ये जो mdx है इसके ऊपर तो इंटीग्रेशन ए टू दी पार वाई प्लस वन इन टू कॉस एक्स mdx आ चुका है ठीक है जी एन में से वो टर्म्स लिखना है प्लस करके टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स वहां सिर्फ एक ही टर्म है और इस एक ही टर्म में एक्स आ रहा है क्योंकि साइन एक्स उसका एक फंक्शन है कोई भी टर्म ना मिले तो जीरो इन टू डी वाई इज इक्वल ए कॉन्स्टेंट ऐसे आ जाएगा बात समझ में आ गई अगर एन में कोई टर्म्स में टर्म है किसी भी टर्म में तो वो नहीं लिखनी है वहां एक ही टर्म थी उस ही टर्म में एक्स आ रहा था साइन एक्स के रूप में इस वजह से हमने ए टू दी पावर वाई साइन एक्स पूरे टर्म को डिलीट कर दिया कुछ नहीं मिला जीरो आगे आप इसका सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे ए टू दी पावर वाई और प्लस वन एज अ कॉफिशियंट रहेंगे इसका हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल सी यह आपका आंसर आ चुका है तो देखिए कितने इजीली आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को इंटीग्रेट करके बहुत आराम से दो लाइन में निकाल सकते हैं आपको बस ये टेस्ट लगाना है अगर इस टेस्ट के लगाने से आपका डेल एम अपॉन अपॉन डेल 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 एन एमोपॉन्स के बराबर आ जाता है तो वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह से आप उसका आंसर देंगे एम डी एक्स प्लस टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो यहां इसमें एक्स में साइन एक्स में एक्स था इसलिए पूरे टर्म में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ वाई हो या फ्री फ्रॉम एक्स हो तो इस तरह से वहां जीरो हो गया बाकी आगे, आगे आपने इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट पर सिर्फ एक्स तो ई टू दाई प्लस वन इसमें साइन वो कॉस एक्स जो है सिर्फ वो एक्स का फंक्शन है इसलिए हमने कॉस का इंटीग्रेशन साइन कर दिया है ये इसका बेसिक सा क्वेश्चन था एक सवाल और सीख लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर टू इसमें समझ लो क्वेश्चन नंबर टू इसमें देखो अब आप समझिए जरा इसमें एम dx, ये हमारा एम है ये डीएक्स हो गया डीएक्स प्लस एन ये हमारा एन हो गया टू डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस तरह से आप चेक करिए उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे एक टेस्ट लगाएंगे डेल डेल एम अपॉन वाई वाई की रिस्पेक्ट पर तो करिए इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ वाई वाले फंक्शन का तो आप देखेंगे कॉस वाई का डिफरेंशिएशन सिर्फ कॉस वाई का माइनस साइन वाई तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स इन टू साइन वाई और प्लस ई टू तो दी टू एक्स का कुछ नहीं जीरो बस इतना ही रहेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई आगे समझिए डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है एन वाले का एक्स के रिस्पेक्ट पर तो एन वाले का एक्स के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो देखिए क्या आएगा एक्स वाले तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और साइन वाई एज अ कॉफिशेंट लिखा है आगे आप देखेंगे टेन वाई इसमें कोई एक्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं अब जरा ध्यान दीजिए क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आ गई दोनों इक्वल हैं इसलिए इन दोनों के बीच में इक्वल लगाओ और लिखो सो इट इज एग्जैक्ट नाउ अब ये एग्जैक्ट है एग्जैक्ट हुआ उसके बाद आप आंसर किस तरह से देते हैं बहुत इजी आंसर देना m dx तो m का मतलब ये पूरा टर्म तो ऐसे लिखा जाएगा sin x cos y प्लस ई टू दावर टू एक्स ये हुआ एम डी एक्स प्लस एन में से वो टर्म्स लिखी जाएंगी जिसमें x नहीं है अब आप ध्यान से देखिए लिखा है इसमें तो एक्स आ गया इसका मतलब ये टर्म तो नहीं लिख सकते हम ये कैंसिल उसके बाद यहां लिखा है टेन वाई ये टेन वाई में कोई एक्स नजर आ रहा है आपको जी नहीं तो आप देखेंगे कि ये टेन वाई लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है इन टू डी वाई इज इक्वल एक कॉन्स्टेंट सी एक ही लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट पर तो साइन e का इंटीग्रेशन माइनस कॉस कॉस कॉफिशियंट इक्स का इ टू दी पावर टू एक्स होता है और अपॉन पर कॉफिशियंट आ जाएगा आप जानते हैं टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक लॉग सेक वाई ये आ गया सी बस यही इसका आंसर है तो इस तरह से इन दो क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना सीखना है कि किस तरह से आप टेस्ट लगाते हैं टेस्ट कैसे इक्वल होता है उसके बाद आंसर कैसे लिखा जाता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो इतना एक लाइन का क्वेश्चन इस तरह से यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे बल्कि इसका एप्लीकेशन पूछेंगे आपसे वो क्योंकि आप देखो ये दो लाइन लिखें और टेन मार्क्स मिल जाए या ट्वेल्व मार्क्स मिल जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इसलिए यूपीए से किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा आइए उसको जब उसको जरा समझो ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, 2018 में और देखो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक से है लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसने हल्का से क्वेश्चन को टर्न डाउन किया है क्या किया क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एफ वाई फाइंड कीजिए एक फंक्शन मैंने कहा ना वो दो लाइन के क्वेश्चन पे तो टेन मार्क्स नहीं मिलेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में 12 मार्क्स का यूपीएससी के अंदर एट डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर एट डी तो आप इसमें समझिए आपको एक फंक्शन f y निकालना है सच दैट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी 2x e टू द पावर y 3 8, 3y स्क्वायर ब्रैकेट के बाद dy 3x स्क्वायर प्लस अब देखो ये लिखा है f y ये छिपा दिया उसने तो समझ पा रहे हैं पिछले क्वेश्चन में पूरे पूरे फंक्शन एक्स वाई के लिखे थे अभी हम उसने एक फंक्शन इस तरह से दे दिया उसने कहा है कि ये एग्जैक्ट है और फिर इसे सॉल्व भी करा रहा है हमसे दो बातों की इंफॉर्मेशन एक तो वो कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट है और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एग्जैक्ट जब आ जाए एफ आई जब एग्जैक्ट की कंडीशन लगाने के बाद आपका आ जाए फिर आप उसको सॉल्व भी करिए तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जेक्ट के सीधा डायरेक्ट यूज से इसके आगे का जो टाइप है उसके बिना ही सिंपल इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है तो देखो हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कौन सा टॉपिक किस रूप में किस फॉर्म में किस लेवल में पूछा जा सकता है नहीं कह सकते ये 2018 का क्वेश्चन है 12 मार्क्स में जरा इसको समझो कैसे करेंगे सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन डी ई पहले उसको लिख लेते हैं सही से क्या है टू एक्स ए टू दी पावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर थ्री वाई स्क्वेयर डी वाई डी वाई और अगर मैं चाहूं तो इसका डी एक्स वाला टर्म पहले लिख दूं देखो कैसे डी एक्स वाला टर्म इसको ऐसे लिखो थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई डीएक्स, एम डी एक्स होता है ना इसलिए हम एम डी एक्स बना रहे हैं पहले अपना फिर उसके बाद ये टू एक्स ए टू पावर वाई फिर थ्री वाई स्क्वेर इन डी वाई इज इक्वल टू जीरो ऐसे बनाओ इक्वेशन नंबर एक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ताकि हम उसे कंपेयर करें तो एम और एन पहचाना जा सके तो यह क्या है ये एम है और यह क्या है ये एन हो गया इतनी बात समझ में आ गई आपको एम डी एक्स प्लस एनडीवाई अब उसने कहा इट इज एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट है तो लिखेंगे गिवन क्या गिवन है द अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन द अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट है ये आपको लिखना है कि एग्जैक्ट है आपको दिखाना नहीं है एग्जैक्ट है तो एफ वाई बताइए अब आप क्या कंडीशन लगाएंगे सो डेल एम अपॉन डेल वाई इज equal डेल एन अपॉन डेल एक्स ये कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है इसे शो नहीं करना लास्ट दो क्वेश्चन में हमने इनको इक्वल दिखाकर आगे आंसर दिया था अभी वो कह रहे हैं कि ये इक्वल करो और फिर एफ वाई बताओ तो कर देते हैं इसको एग्जैक्ट की कंडीशन लगाकर ध्यान दीजिए वाई के रिस्पेक्ट पे करना है तो थ्री एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा जीरो हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो सिर्फ एफ डैस वाई होगा एफ डैस वाई और उसमें वाई ही है एक्स है नहीं तो एफ डैस वाई आ गया समझ में आगे बात आगे देखो एन का एक्स के रिस्पेक्ट पर तो यहां सिर्फ एक्स पे ध्यान दो टू एक्स का वन ए टू पावर वाई एज इट इज तो क्या रहेगा टू ए टू पावर वाई ये आ गया क्या थ्री वाई स्क्वायर का भी कुछ होगा नहीं होगा एक्स के रिस्पेक्ट पे करें आप एन का तो बस इतना आ गया क्या इतनी बात समझ में आई एफ वाई का आंसर इतना आ चुका है ये 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 आ गया अब आपसे पहले वो एफ वाई मांग रहे हैं तो क्या करना है इसका एक लाइन में इंटीग्रेशन कर दो एफ आई मिल जाएगा आपको तो देखो कैसे मिलेगा देखिए ऐसे मिलेगा पहले आप ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या करेंगे एफ आई निकाल लीजिए तो टू ई e का तो ई e ही होता है एक कांस्टेंट लगा सकते हैं आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहां पर आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन लिख सकते हैं इस तरह से अब आप इस एफ आई की वैल्यू वापस उस फंक्शन में रखेंगे की वापस उस फंक्शन में रखेंगे तब उसके बाद आपको सॉल्व करना है इसको उठाओ और वन में रख इन वन तो क्या मिलेगा आपको थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए टू पावर वाई और एक कांस्टेंट सी वन ऐसे इन टू डी एक्स डी एक्स प्लस आगे लिख सकते हैं टू एक्स ए टू पावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर ऐसे डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब आपने क्या किया उस एफ वाई की जगह ये जो फंक्शन है ना ये ये देख रहे हैं आप वाई वाला फंक्शन हमने उसकी जगह सब्सिट्यूट कर दिया है आप इसमें एक्जेक्ट कंडीशन दोबारा लगा के चेक मत करना क्यों मत करना क्योंकि जो आपने आपने निकाला निकाला है है ये इक्वल इक्वल करके ही तो पहले ऑलरेडी यहां पर कर दिया था इसलिए आपको इसको दोबारा इक्वल करके टेस्ट लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है तो अब आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर कैसे आंसर आएगा एम डीएक्स तो ये तो एम है पूरा थ्री एक्स स्क् प्लस टू ए टू दी पावर वाई प्लस सी वन एक कांस्टेंट लगा दिया हमने डी एक्स प्लस एन में से वो टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है तो थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब बस एक की लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर आपका आंसर आ गया देखिए कैसे थ्री एक्स स्क्वायर इसका होगा एक्स क्यू यहां एक एक्स आ जाएगा ए टू दावर वाई इंटू वन मान के वाई का कुछ नहीं होगा

तो ये क्वेश्चन है देखो आपने देखा ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल इसे के 5 ए से पूछा गया है लेकिन देखो एप्लीकेशन कैसे घुमाया था हल्का सा उसने एफ वाई आपको डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि वो चाह रहे हैं कि आप उसको इंटीग्रेट करके निकालिए ठीक है ठीके? एक और क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर फोर 2002 में ये भी 15 मार्क्स में आया था और इसको समझिए भी अच्छा सवाल है देखिए कैसे है देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखा है क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पहले ही बोल दिया उसने लैमडा और ये एफ आई नहीं होना चाहिए एफ आई गलत लिखा है एफ आई नहीं है वहां पर वो मिस प्रिंटेड होगा तो यहां पर क्या है हाँ जी देखिए यहां पर आपको कॉन्स्टेंट लेमडा की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट इस पर ध्यान दो ये हमारे काम की बात है उसने हमसे बोला कि लेमडा की वैल्यू बताओ जबकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें जो ये लैमडा आ रहा है यहां ये भी एग्जैक्ट है तो देखो दूसरा क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट के ऊपर बेस्ड है पहले दो क्वेश्चन में हमने आपको बेसिक से आंसर लिखना टेस्ट लगाना सिखाया और अब आप देखिए कि उस टेस्ट की बदौलत वो आपसे कुछ निकलवा रहे हैं और फिर उसके बाद में लैमडा की इस वैल्यू के लिए आपको इसे सॉल्व भी करना है तो देखो 15 मार्क्स में आया यूपीएससी में 2002 में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट इस सिंपल टॉपिक से दिखेंगे लेकिन आप जब इसके लेवल में पढ़ाई करेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे अदरवाइज अगर आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करके चले जाएंगे तब आपसे नहीं होगा ये तो इसलिए जो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं जिस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ा रहे हैं ये ये तैयारी चाहिए आपको यूपीएससी को टेकल करने के लिए उस लेवल तक आने के लिए तो चलिए इसको करते हैं जरा देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लीजिए क्या है पावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्से डी वाई बाई डी एक्स कोई बात नहीं ऐसे लिख लेते हैं डीवाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ए टू दावर वाई इज इक्वल टू जीरो थोड़ा इसको ठीक कर दीजिए कैसे ठीक कर रहे हैं ये जो डीएक्स है पहले तो आप इसे मल्टीप्लाई करा दो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्स ध्यान रहे एम डी एक्स में एम को हम पहले लिख रहे हैं एम डी एक्स होता है ना एम डीएक्स प्लस अब यह डी वाई वाला टर्म टू एक्स ए टू दावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेर टू डी वाई इज इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन नंबर वन इसको बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर वन और गिवन कंडीशन के हिसाब से ये जो इक्वेशन है हमारी ये क्या है एग्जैक्ट है तो अब हम इस इक्वेशन नंबर वन को एग्जैक्ट की कंडीशन लगा करके सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व लिखेंगे गिवन दैट गिवन दैट अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट है इट मींस द डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसको एम कहें ये M है और ये हमारा एन है तो ये बताओ डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हम डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं करेंगे ये टेस्ट है एग्जैक्ट है ना सो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स अब आप इसमें इसका वाई के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा लैमडा ई टू तो दावर वाई सिर्फ इतना और उसमें एक्स के रिस्पेक्ट भी करेंगे तो यहां टू और एक्स का वन हो गया तो टू ई टू दावर वाई बचेगा अब आप यहां से क्या लैमडा की वैल्यू टू नहीं मिल सकती आपको इस तरह से तो ये लैमडा की वैल्यू टू के लिए एग्जैक्ट होगा तो एक बात तो उसने ये मांगी थी आपसे लेमडा बताइए उसके बाद इस लैमडा को वापस रख दीजिए वन में और फिर इसे आंसर दे देंगे इसका एग्जैक्ट हो गए पुट इन वन, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए टू पावर वाई डी एक्स और प्लस टू एक्स ए टू पावर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है आप इसको चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि चेक करके तो आपने एलैमडा निकाला है चेक भी नहीं करना है आपने इसको इतनी बात समझ में आ रही दोबारा आप इसमें टेस्ट नहीं लगाएंगे वो आएगा इक्वल क्योंकि इक्वल करके ही तो लैंडा निकाला है वो टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो कौन सी टर्म आपको मिलेगी आप देख पाएंगे यहां पर थ्री वाई स्क्वायर लिखा है तो थ्री वाई स्क्वायर है इन डी वाई Is equal to c a constant of integration अब अगली लाइन में इसका का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पर x³ और ये क्या होगा 2x e to the power y और यहां से क्या मिलेगा y³ c तो यहां इस तरह से आप देख पाएंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट एग्जैक्ट का टेस्ट लगाने के बाद दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं इसलिए आप किसी भी टॉपिक को हल्के में लेकर छोड़ेंगे नहीं आपको अपनी बेसिक नॉलेज के साथ क्या यूपीएससी का डिमांड है क्या ट्रेंड है उसका उस फॉर्मेट तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना है फिर उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये था हमारा टाइप फाइव ए जो सीधा सीधा एग्जैक्ट था लेकिन अब क्या है इसके आगे के जो टाइप्स हैं उसमें सीधे एग्जैक्ट नहीं है बल्कि आगे फाइव बी फाइव सी फाइव डी ये हम जो सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा तो हमने लिखा है फाइव बी और इसकी आइडेंटिटी में लिखा है होमोजीनियस याद है होमोजीनियस टाइप नंबर दो में भी हमने पढ़ा था होमोजीनियस जिसकी डिग्री सेम हो डिग्री सेम यहां लिख देते हैं हम डिग्री सेम हो डिग्री सेम तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं आज से अगर कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आपको दिखे जो होमोजीनियस तो बी से ट्राई करिएगा वो जो टाइप नंबर में हमने पढ़े हैं जितने भी क्वेश्चन है उसके वो इस 5B से किए जा सकते हैं और देखना ये कितना आसान पड़ेगा आपको सबसे पहली बात यह फाइव बी आप लगाएंगे कब जब ए फेल हो जाएगा और ए कब फेल होगा जब ये टेस्ट फेल हो जाए कौन सा टेस्ट है डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल इसका मतलब है टेस्ट फेल होना आ गया तो एग्जैक्ट है इक्वल ही करना है हमें जो नॉट इक्वल है उसको किसी ना किसी तरह से हमें इक्वल करना होगा तो देखो जो फॉर्म गिवन है आप उसमें ये टेस्ट लगाएंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा तब उसके बाद अगर होमोजीनियस हुआ डिग्री सेम हुई तब समझ लेना फाइव बी है ये उसकी पहचान है क्या पहचान ए फेल हो गया और सब जगह डिग्री सेम है तो फिर वो होमोजीनियस होगा बी पक्का बी होगा होमोजीनियस नहीं है तो बी फेल हो जाएगा जो उसकी पहचान है वही उसके फेल होने की कसौटी भी बनती है उसी कंडीशन पे वो फेल भी होगा मतलब अगर होमोजीनियस नहीं हुआ तो वो फिर बी नहीं होगा फाइव बी नहीं होगा तो यहां पर हम समझा रहे हैं आपको उसके बाद आपको इंटीग्रेटिड इंटीग्रल फैक्टर निकालना आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर या आई एफ इंटीग्रल फैक्टर आपको इसमें निकालना होगा ये आई एफ जो होता है ये आई एफ अब आगे से जितने भी इंटीग्रल फैक्टर निकाले जाएंगे इसी इंटीग्रल फैक्टर के ऊपर बेस्ड इसके टाइप्स चेंज होते रहेंगे क्या करना है करना ये है कि जब वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई आप निकालेंगे और ये कभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता mx प्लस एन वाई जो है वो कभी नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा उस केस में होमोजीनियस है और वैल्यू आपने निकाली तब आप इस आई एफ से अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या करना है मल्टीप्लाई दिस आई एफ टू गिवन क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगा समझ में आई बात क्या कहा जा रहा है अगर होमोजीनियस है तो ये आई एफ का फॉर्मूला लगाओ एम को एक्स से मल्टीप्लाई एन को वाई से मल्टीप्लाई और ये जो भी आएगा एक क्वांटिटी आएगी स्मॉल सी छोटी सी उससे पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करा दीजिए और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नई फॉर्म बनेंगे नया एम एम डी एक्स प्लस एन डैस नया एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फिर ये एग्जैक्ट हो जाएगी इसका मतलब उसके ऊपर आप टेस्ट लगाएंगे ना एम और एन के लिए तो वो इक्वल आ जाएंगे एम और एनडे पर कैसे डेल एम डेल वाई डेल एन डेल एक्स विल बी इक्वल टू इच अदर तो एग्जैक्ट हो गया ना एग्जैक्ट हो गया तो फिर आंसर देना है A की तरह A मतलब जो अभी सीख के आए हैं कैसे सीखा था एम डी एक्स और एन में से वो टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है ठीक है तो कैसे एम डेस ये वाला एम एज इट इज और टर्म्स फ्रॉम एनड एस not containing x x नहीं आना चाहिए into dy is equal to c आगे आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और आपका आंसर आ गया ठीक है चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे इस पर ये क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले पहचानो आप कि कौन सा टाइप हो सकता है m dx n dy की फॉर्म है ओके okay. तो हम ये जानते हैं कि ये इसके साथ वाला m होता है ये m होता है और ये क्या होगा n होगा पेन चेंज कर लेते हैं देखिए ये एम हुआ ये एन हो गया तो अब आप पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए वाई के रिस्पेक्ट पर तो आप पाएंगे कि x आ रहा है डेल x निकालेंगे आप तो आप देखेंगे यहां से माइनस थ्री एक्स गया माइनस तो ब्रैकेट से बाहर लिखा है और एक्स स्क् किसका डिफरेंशिएशन हुआ एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर हो गया आप देख पाएंगे कि नॉट इक्वल है इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं हुआ ना नॉट एग्जैक्ट Not exact का मतलब ए फेल्ड हो गया ए फेल्ड ठीक है ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ए फेल कैसे हुआ अब ये ध्यान दीजिए कि यहां टू डिग्री है वन डिग्री है कंबाइन करके देखें तो कितनी है कंबाइन डिग्री तो थ्री है ना अभी देखो एक्स क्यूब की भी डिग्री थ्री है वाई क्यूब की भी डिग्री थ्री है तो आप यहां पाएंगे इस पूरे इक्वेशन में डिग्री जो है वो थ्री है सेम है और डिग्री सेम है इसका मतलब क्या हुआ ये होमोजीनियस हो गया ना होमोजीनियस इसलिए बी पास हो जाएगा फाइव का बी ये पास हो गया इस तरह से आपको हर एक की पहचान समझनी है ए कैसे फेल हो रहा है कब वो पास हो रहा है बी कैसे पास हुआ क्योंकि वह एग्जैक्ट ना होकर होमोजीनियस है तो ये बी होगा पक्का अब बी के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आप आई एफ लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई मतलब जो पहला वाला टर्म है इसको x से मल्टीप्लाई कराओ देखो कैसे एक्स स्क् वाई इसको कराना है x से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले टर्म को कौन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे इन टू वाई इसको y से करा दिया समझ पा रहे होंगे पूरा विद माइनस लेना है ठीक है ये साइन भी लेना है इसके साथ थोड़ा ठीक करिए इसे तो आप पाएंगे कि जो आपका आई एफ है इंटीग्रल फैक्टर इज़ इक्वल एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस वाई की पावर फोर देख पा रहे हैं ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है देखो यहां से कैंसिल हो रहा है ये एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल और फिर देखो जो बच रहा है उसको ठीक करके लिख दो क्या बचेगा हाँ जी तो आपका आई एफ आपको मिल रहा है आई एफ माइनस वन अपॉन की पावर फोर आप इस आई एफ से अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कराएंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है चाहे तो आप उसे इक्वेशन वन कह ले वन वन लिख दिया करो यहां कि मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन वन ऐसे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन पर माइनस वाई आ जाएगा ये हुआ dx, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन पर फिर से माइनस वाई फोर डी वाई इज इक्वल इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली वो डिवाइड ही हो रहा है उसका अगर कोई कांस्टेंट है जैसे यहां पे माइनस वन है तो आप उस कांस्टेंट को निकालकर राइट right साइड में जीरो में डाल सकते हैं जैसे माइनस वन है इसको यहां से RHS में पहुंचा सकते हैं अगर माइनस वन को आप चाहें नहीं तो रख भी सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई कॉन्स्टेंट होता है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ जाएगी इसलिए उस को राइट साइड में में जीरो में पहुंचा सकते हैं तो बेसिकली आप इसका माइनस निकाल के अगर उधर पहुंचाएंगे तो मैं इसको ठीक करके ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्र अपॉन वाई क्यूब डीएक्स ये है हमारा नया एम और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि हम माइनस आर एच एस पे पहुंचा रहे हैं इसको भी सेपरेट करिए एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर फोर और फिर प्लस वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो कुछ ऐसे अब हम इसको इक्वेशन नंबर अगर वन ऊपर मानी इसको टू कह दो नहीं तो इसे वन कह लो ये लो वन कह लो इसे अभी हमने वन किसी को नहीं मानी अब ये हमारा नया एम डैश हुआ ये हमारा नया एन डैस हुआ डैश का मतलब न्यू एम डैश डी एक्स एन डैश डी वाई अब इस पर टेस्ट लगा के देखिए अब आप पाएंगे कि एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका टेस्ट इक्वल आ जाएगा देखिए कैसे देखो टेस्ट टेस्ट लगा रहे वाई के रिस्पेक्ट पर तो आपको मिलेगा थ्री एक्स स्क् वाई, वाई की पावर थ्री है ना नीचे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस थ्री हो जाएगा फिर माइनस थ्री पहले आएगा से कम करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा फिर वो नीचे आके वाई के पावर फोर बन चुका है दूसरा एन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल डेल डेस अपॉन के रिस्पेक्ट पर तो यहां देखिए ये क्यूब का होगा x तो माइनस बाहर से लिखा है थ्री एक्स स्क् वाई के पावर फोर तो इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे कि अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं इज इक्वल सो इट इज एग्जैक्ट नाउ अब ये एग्जैक्ट बन चुका है जी एग्जैक्ट बन गया तो फाइव ए की तरह इसका आंसर देना जरा बताओ फाइव ए का आंसर क्या था तो देखिए इसमें एक्स वाली टर्म मिल रही है कि नहीं तो डी एक्स स्क् अपॉन वाई क्यूब यह तो डीएक्स आ गया जी एम डी एक्स प्लस एन में से वो टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है तो क्या मिलेगी आपका इसी टर्म? हाँ ये वन अपॉन वाई मिलेगा बाहर से माइनस भी है तो माइनस वन अपॉन वाई आपको मिलेगा इंटू डी सी बस एक ही लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन करिए और फिर देखिए क्या बनता है एक्स के रिस्पेक्ट पर तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई क्यूब यहां से माइनस लॉग वाई इज इक्वल सी ये आपका आंसर आ गया इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में पहले जो नॉट होमोजीनियस था सॉरी oh, जो पहले नॉट एग्जैक्ट था बल्कि होमोजीनियस था तो उसको हमने आई एफ वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई से मल्टीप्लाई करा के एग्जैक्ट बनाया और यही प्रोसेस हमें आगे के सभी टाइप्स में पढ़नी है तो पहला सब टॉपिक इसमें आपने पढ़ा फाइव बी उसमें क्या था कि आई एफ जो है वन अपॉन एमएक्स प्लस एन वाई होगा लेकिन ध्यान रहे कब होगा जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ए फेल हो जाए और वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए ठीक है चलो टाइप टाइप नंबर नंबर सी सी समझ लो जरा। टाइप सी भी बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि इन सभी टाइप्स में सबसे स्पेशल है क्यों स्पेशल है क्योंकि इसकी स्पेशल फॉर्म है ये सबसे पहले पहचाना जाएगा आपसे कि हाँ ये सी होगा फाइव सी कैसे ये जो ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा ना होगा तो पूरा एम लेकिन ये समझो कि ब्रैकेट के बाहर आपको यहां ये कुछ स्पेशल लिखे होंगे वाई डीएक्स के साथ वाला और एक्स डी के साथ ऐसा नहीं कह ब्रैकेट के अंदर वाला ये पूरा ही एम है वैसे लेकिन आप ये समझाने के लिए लिखा है कि पूरा ब्रैकेट के बाहर में आपको वाई अलग मिलेगा एक्स अलग मिलेगा ऐसा आपको ऑलरेडी रिटर्न होगा एक बात का आपको ध्यान रखना है विशेष ध्यान क्या कहीं किसी ब्रैकेट से अगर एक्स वाई कॉमन आ रहे हैं तो उसे कॉमन लेकर जबरदस्ती ऐसे बना मत लेना वो अपने आप ऑलरेडी लिखा होगा तभी आपने इस फाइव सी को लगाना है बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें ये x और y जो है वो कॉमन आके बनाए जा सकते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर वो पहले से लिख के देते हैं ब्रैकेट के बाहर dx के साथ y और dy के साथ x तब आप समझेंगे कि वो फंक्शन वो डिफरेंशियल इक्वेशन 5c टाइप का है तो इसलिए क्या लिखा स्पेशल फॉर्म होनी चाहिए एक स्पेशल शक्ल हो उसकी ये क्या है स्पेशल शक्ल तो स्पेशल शक्ल होगी उसकी इस तरीके की अगर ऐसा लिखा है तो फिर फाइव सी है इसके अलावा कुछ नहीं है आपको कुछ और ट्राई ही नहीं करना तो देखिए क्या है जैसे आपने बी का आई एफ याद किया वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई तो इसका बहुत सिंपल है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई भाई एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा बी में प्लस है तो सी जो स्पेशल शक्ल का है उसमें माइनस तो आप उसके आई एफ से अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से और फिर वो एग्जैक्ट बन जाएगा दोबारा से एग्जैक्ट का मतलब ये जो नया एमडेस एनडेस बनेगा वो इस टेस्ट को पास करना शुरू कर देगा एम का वाई के रिस्पेक्ट पर एन का एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा आगे आपको पता है आंसर देना है फाइव ए की तरह ए का मतलब जो फर्स्ट वाले फाइव ए में हमने पढ़ा है आज ही एम डी एक्स होता है और टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग x अब तक तो याद हो गया होगा कि एम एज इट इज लिखा होता है एन में से वो टर्म्स जिसमें x नहीं होता तो ये स्पेशल फॉर्म है जब यहां पर y हो और x हो तो उसका आई एफ वन अपॉन एम माइनस एन होगा आइए देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए क्वेश्चन लिखा है दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये लीजिए अब देखिए क्या आपको यहां सब कुछ बातें छोड़कर एक बात नजर आ रही है कौन सी बात कि यहां y लिखा है बाहर ब्रैकेट से और यहां x लिखा है ध्यान से देखना इसमें नजर गए जान पूछ के क्या होता है मोस्टली वो ऐसे ही लिखते हैं वो इस y को इधर नहीं लिखते ताकि पांच दस परसेंट बच्चों को तो नजर ही ना आए और जल्दबाजी में इसे छोड़ के आगे बढ़ जाए कि कैसे सॉल्व होगा और अपनी मर्जी से इस चैप्टर का कोई सा भी टाइप लगा के सॉल्व करना शुरू कर दें इसलिए आपको इन पर बड़ा विशेष ध्यान देना है ये जो एक्स और वाई लिखे हैं इस तरह से आपको 5c इसमें डायरेक्ट नजर आएगा तो 5c हुआ ये क्योंकि इसके स्पेशल फॉर्म है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप ये करेंगे कि इसका आईएफ निकालेंगे आई एफ क्या होता है अपॉन ये है इसका आईएफ जरा देखो इसका आंसर क्या बनाएंगे हम वन अपॉन ध्यान दो दे पाओगे जब हम इस पूरे टर्म को ये पूरा टर्म एम है ठीक है पूरा ही है y के साथ ही और ये भी पूरा n है ये पूरा n है ओके देखो हाँ जी ये वन या लिख देते ये पूरा m है m और ये पूरा n है ऊपर वो तो सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर वाले को बाहर कुछ स्पेशल y और x लिखा होगा ठीक है तो इसमें जरा समझिए m को x से मल्टीप्लाई कराना है तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो ऑलरेडी है ना उसके पास तो क्या ब्रैकेट में वो xy नहीं बना देगा ऐसे बाहर मल्टीप्लाई मत करो उसके बाहर ही लिख दो उसे xy कंबाइंड क्या बच रहा है x2 y2 xy 1 बीच में माइनस माइनस फार्मूले का ये वाला माइनस आगे क्या करना है n y तो आप देख पा रहे हैं यहां x तो पहले से लिखा है x पहले से लिखा है y से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या किया जाए एक्स वाई बन जाएगा उसे ब्रैकेट से बाहर ही रख दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्स एक्स वाई और प्लस वन इस तरह से आएगा समझ पा रहे हो अब क्या करें इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो जैसे आप कॉमन लेंगे एक्स वाई फिर उसके बाद देखो कुछ कैंसिल वगैरह होगा जैसे ही एक्स स्क् वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन माइनस फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वन ऐसे बचेगा तो क्या पाएंगे आप, आप बहुत सारी चीजें यहां पर कैंसिल होती भी पाएंगे और देखिए कैसे कैंसिल हो रही है एक तो वन से ये वन कैंसिल एक्स स्क्वायर वाई स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र कैंसिल क्या हो रहा है एक्स वाई और एक एक्स वाई ये डबल हो जाएगा टू एक्स वाई और टू एक्स वाई बाहर एक और एक्स वाई है। तो क्या बना आई एफ आपका आ गया है वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मोस्टली ये आई एफ जो होता है ये सिंगल टर्म ही आती है अगर कहीं थोड़ा सा लेंदी आ रहा है तो एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना थोड़ा ठीक सा ही आना चाहिए अब क्या करें इसको जो क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई कराना है मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर देखिए आप वो एग्जैक्ट बनेगा देखते हैं कैसे बनता है देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए जी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास लिखा है पहले एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन और उसके बाहर ब्रैकेट में लिखा है वाई और हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं टू एक्स साथ में डी आराम से लिखो कोई जल्दबाजी नहीं है फिर यहां एक्स लिखा और होल डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया और अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे आराम से अगर आप समझ पाओ तो कैसे समझना है देखो जरा पहली बात तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टेंट टू है ना कॉन्स्टेंट को आप निकाल के आर में भेज सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा आपने माइनस वन था तो उसको भी हम आर एच पहुंचा सकते हैं तो इस तरह से आप उस कॉन्स्टेंट को तो निकाल के आरएचएस पर पहुंचा सकते हैं तो देखिए जरा क्या किया जाए कर सकते हैं इसमें टू आर पर दूसरी बात यह है कि यहां से एक वाई कट होगा तो यहां से वाई की एक पावर बचेगी दूसरी बात यह यहां से एक एक्स कट होगा तो एक्स की एक पावर बचेगी इन पावर्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं बड़े आराम से देखिए कैसे होगा ये लिखा है एक्स स्क्र वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन अपॉन पर एक्स वाई एक्स स्क् वाई ऐसे आएगा ये डी एक्स प्लस आगे समझिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वन और इसके अपॉन पर क्या बचेगा एक्स वाई स्क्वायर डी <coughs> वाई इज इक्वल जीरो कुछ इस तरह से आएगा अब जरा सेपरेट करें देखो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल तो वाई अपॉन सिर्फ वाई इतना बचेगा आगे देखो यहां एक्स X, X y कैंसिल y, तो आ जाएगा समझ पा रहे हो यहां हम इसको सेपरेट कर रहे हैं आप ताकि हम इंटीग्रेशन के पहले जब टेस्ट लगाएं तो वो इक्वल आ जाए और यहां भी देखो कैसे इस ब्रैकेट को भी आप सेपरेट करो x कैंसिल y स्क्र कैंसिल तो x बचा माइनस या x कैंसिल तो वन अपॉन वाई आएगा और फिर ये वन अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन नंबर वन आगे वन आ चुकी है अब आपको करना ये है कि इस इक्वेशन वन पर आपने टेस्ट लगाना है एग्जैक्ट का और देखिए वो टेस्ट एग्जैक्ट का कैसे लगता है हमारे लिए ये नया एम है तो ये एम बना देते ये नया एन हुआ तो इसे एन डैश बना देते और अब आप इसमें पाएंगे कि डेल डेल डैश अपॉन के रिस्पेक्ट पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ वाई वाले फंक्शन पे ध्यान देना है तो वाई वाले फंक्शन पे ध्यान दे तो एक तो वाई यहां है तो उसका तो वन हो जाएगा आगे आप देखेंगे तो वन अपॉन वाई यहां भी है तो वन अपॉन टी का जैसे डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर उसी तरह से वन अपॉन वाई का क्या होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर और आप देखेंगे यहां से कि 1/x2 पहले से लिखा है तो ऐसे आ जाएगा 1 1/x2 y2 आगे देखो जरा डेल एंड डैश अपॉन डेल x अब x के रिस्पेक्ट पर तो x के रिस्पेक्ट पर चेक करिए x के रिस्पेक्ट पर यहां 1 होगा इसका इसका 0 और फिर से 1/x का होगा तो -1/x2 y2 होगा और अब आप इनका कमाल देखो दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं सो इट इज एग्जैक्ट नाउ अब यह क्या है अब एग्जैक्ट है अब एग्जैक्ट हुआ तो आप इसको इक्वेशन वन को फाइव ए की तरह आंसर दे दो क्या है फाइव ए प्लस दूसरे इंटीग्रेशन में क्या होता है टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो जरा समझिए इसको कैसे लिखेंगे यहां लिखा हमने देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जा रहा है आंसर में लिखेंगे एम डी एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई ये हुआ स्क्स और टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो आपको सिर्फ एक टर्म ये मिलेगी माइनस वन अपॉन वाई इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है जिसमें अकेला वाई है तो वन अपॉन वाई और क्या आएगा डी वाई इज इक्वल सी बस अब एक लाइन मिसका इंटीग्रेशन कर दो और आ आपका आंसर देखो कैसे आएगा एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट पर हो रहा है ना तो वाई का कुछ नहीं होगा उसके इंटू में वन मान लो तो एज अ कॉन्फिशेंट वाई लिखा रहेगा का वाई हो, हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट सी ये आ गया इसका आंसर तो देखो आपने यहां पर इस फाइव सी को फाइव सी को स्पेशल फॉर्म को वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इसका आई एफ मानते हुए जब मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट बन गया और फिर इस तरह से आपने इसका आंसर दे दिया तो ये इसका आंसर आ गया इसी के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है 5C के ऊपर बेस्ड देखो कितना सिंपल है वो भी आप समझ पाएंगे कि क्या बेस होता है क्या लेवल होता है यूपीएससी का जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या लिखा है देखो क्वेश्चन लिखा है और आप इसको पहचान पा रहे होंगे देखिए कैसे पहचानने क्या आपको स्पेशली यहां पर वाई और एक्स नजर आ रहा है बस ये देखो हमने कहा ना स्पेशल फॉर्म है उसकी एक स्पेशल शक्ल है उसकी इस ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी वो वाई और एक्स लिख के देंगे तो यहीं से आपका डिसाइड हो गया तो मैंने इसलिए बोला कि फाइव जी सबसे पहले पहचाना जाएगा और देखो ये क्वेश्चन 2004 में 12 मार्क्स का पूछा गया है तो अब ये मत कहना कि ये प्रीवियस ईयर में आया है तो अब नहीं ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कभी भी पूछ सकते हैं इसलिए आपको हर तरह से अपने सिलेबस को एक स्मार्ट स्ट्रेट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है ठीक है चलिए जरा करते हैं इसको सबसे पहले हम इसका आईएफ निकालेंगे क्या करेंगे आई एफ तो आई एफ क्या होगा वन अपॉन एमएक्स एम माइनस एन वाई ठीक है जी वन अपॉन एमएक्स माइनस एन वाई कर देते हैं पहले वाले टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताओ वाई तो वहां पर ऑलरेडी है पहले से वाई लिखा है x मल्टीप्लाई करेगा तो क्या एक्स वाई नहीं बन जाएगा तो एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई करें तो फिर से एक्स वाई बन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई मत किया करो वो एक्स वाई बन जाता है बाहर से उसके ब्रैकेट से कॉमन निकाल के फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है एक्स वाई माइनस एक्स ऐसे अब आप इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए आफ्टर विच थोड़ा बहुत कैलकुलेट करो और देखो क्या बन रहा है माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इस तरह से बन रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है ध्यान दो क्या कैंसिल हो रहा है देख पाएंगे आप एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ ये टू और प्लस वन तो थ्री एक्स वाई हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वायर और एक्स वाई पहले से लिखा है थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब बना ना तो आपका आई एफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आई एफ इज इक्वल वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब्यूब ये आ रहा है अब आप करो इसे मल्टीप्लाई टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मतलब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई और देखते हैं फिर क्या लिखा जा सकता है देखो क्या लिख सकते हैं इसको देखिए यहां लिखा था वाई ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वेयर अपॉन हमारा आई एफ आ रहा है थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस आगे देखिए यहां एक्स लिखा है तो ठीक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वेयर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स क्यू वाई क्यू इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस तरह से ये हमने डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को इस आई एफ से डिवाइड कर दिया अब फिर से वही थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखते हैं और फिर आप समझिए कि कैसे लिखा जा रहा है कैसे ठीक करते हैं देखिए जरा पहली बात तो हमने कहा कि कांस्टेंट थ्री ये कांस्टेंट थ्री आप इसे निकाल के जीरो में फेंक सकते हैं एच एस पे कोई कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रोल नहीं है तो आप उसको आरएचएस में पहुंचा सकते हैं दूसरी बात यह है कि यहां से एक वाई कट होगा तो वाई की पावर यहां पर टू बचेगी और यहां एक्स कट होगा तो यहां एक्स की पावर टू बचेगी ऐसे ठीक है तो जरा अब इसको ठीक से करके लिखते हैं एक्स वाई प्लस टू एक्स क्या लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्स है प्लस आगे ठीक करके लिखें तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क् और वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा जी कुछ इस तरह से अब जरा इसको सेपरेट कर दो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी सेपरेट किया था तो ठीक वैसे ही इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो थोड़ा ठीक करके लिखें हम तो ये सेपरेट कर दीजिए तो क्या बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्र वाई प्लस यहां बचेगा टू अपॉन x dx समझ पा रहे होंगे आप इसको डिवाइड कैसे हो रहा है प्लस अब आगे देखिए इसमें x से x कैंसिल हुआ तो ये क्या हुआ वन अपॉन वाई एक्स वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर एक एक्स कैंसिल होगा वाई एक कैंसिल हो जाएगा तो वाई की पावर टू बचेगी और माइनस आगे एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल तो वन अपॉन वाई डी वाई तो ये हमारा इस तरह से डिविजन करके ये इक्वेशन बना इसको हम इक्वेशन नंबर टू कहेंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर टू बन चुकी है जिसके ऊपर हमें एग्जैक्टनेस का टेस्ट लगाना है चेक करेंगे कि एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं एग्जैक्ट के लिए एम वाले का वाई के रिस्पेक्ट पर एन वाले का एक्स के रिस्पेक्ट पर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए तो क्या करिए इसको हम एम डैस कह देते हैं और ये हमारा एन डैस हो गया ओके okay. इसके बाद डेल एम अपॉन डेल वाई करिए वाई के रिस्पेक्ट पर तो यहां सिर्फ यहां माइनस वन अपॉन एक्स स्क्स इसका वाई का हो जाएगा जबकि आप डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आप करें तो आप पाएंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट पर फिर से बस एक्स वाले का होगा तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क् वाई स्केयर आ जाएगा वन अपॉन वाई का जीरो हो जाएगा क्या हुआ ये दोनों इक्वल हो गए जी सो इट इज एग्जैक्ट इट इज एग्जैक्ट नाउ अब ये एग्जैक्ट हो गए अब इसका आंसर दीजिए बताइए आंसर कैसे दिया जाता था आंसर आंसर होता था एम डी एक्स एम डी एक्स तो मतलब एक्स स्क् वाई प्लस टू अपॉन एक्स ये तो एम डीएक्स हो गया प्लस टर्म्स फ्रॉम एन नॉट कंटेनिंग एक्स क्या आएगा माइनस वन अपॉन वाई dy कांस्टेंट c आ गया बस एक ही लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन कर दे इसका x के रिस्पेक्ट पर तो -1 upon xy होगा ये प्लस 2 log x हो जाएगा log x और ये minus log y हो जाएगा is equal c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यही इसका आंसर है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया टाइप c का क्वेश्चन था जिसकी स्पेशल पहचान ये थी कि वहां पर स्पेशल फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर y और x था तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है तो हमने फाइव सी तक इसमें पढ़ लिया अब लास्ट में जाते जाते यहां पर एक असाइनमेंट हमने आपके लिए बनाया है ये क्वेश्चन नंबर फाइव तो ये फाइव क्वेश्चन है आपको टाइप ए से लेकर सी तक इसमें पहचानना है कि कौन से टाइप से किस तरह से ये आपको आगे बढ़ानी है मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट हो जाएगा और यहां पर अगर कोई होमोजीनियस देखो सी सबसे पहले पहचाना जा रहा है यहाँ पे Y लिखा है, यहाँ पर X लिखा है है पर X तो C C हो गए पर पर भी भी देखो देखो Y लिखा है, और यहाँ पर देखो ये, X लिखा है है तो और ये ये X तो C होगा दो क्वेश्चन तो C के हैं एक होमोजीनियस का है देखो टू डिग्री, टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री तो ये क्या हो जाएगा ये होमोजीनियस हो जा रहा है ऐसे पहचाना है और बाकी जो ऊपर के दो क्वेश्चन है ये आपको एग्जैक्ट मिलेंगे ए से तो ये ए है ये सी है ये सी है और ये वाला बी हो गया इस तरह से एबीसी का डिवीजन करते हुए हमने आपको पांच क्वेश्चन दिए हैं और ये बहुत इजी है आपने इन पांचों क्वेश्चन को करके ये फील करना है कि आपने एबीसी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि नहीं इससे ज्यादा इस, इस टॉपिक में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है बस इस लेवल तक आप इस टॉपिक को तैयार करें और फिर देख पाएंगे कि कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछा जा रहा है फिर आप उसको छोड़ नहीं वो आपका कंप्लीट फुल मार्क्स आपको देखा जाएगा तो ये आज का वीडियो आज का लेक्चर इसी बात पर था कि हम किस तरह से 5 ए बी सी टाइप्स को पहचान पाए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें इसके आगे के टाइप डी ई e और एक और एफ बना है वो तीन टाइप और पढ़ेंगे तीन आज पढ़े हैं तो उस तीन टाइप्स को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ने वाले हैं उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखिए आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच